नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकल न्यूज पर और हम बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। आज के पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि आज का पूरा दिन पार करके अगली सुबह 4:52 तक रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशिफल यानी एरीज की, तो आज विवाद होने की संभावना है। अभी काम पर ध्यान बनाए रखना आवश्यक होगा, खुद को विचलित ना होने दें। अपनी अपेक्षा के अनुसार जीवन में बदलाव करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं, कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर बात करें वृषभ राशि फल यानी टोरस की, तो पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने पर ध्यान देने की कोशिश करें। मानसिक थकान रहेगी लेकिन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना जरूरी है। हर एक बात को गंभीरता से लें लेकिन विचार नकारात्मक ना हो, यह ध्यान रखें। बात करते हैं मिथुन राशि फल यानी जैमिनी की, तो रिलेशनशिप से संबंधित बातों में अटके रहेंगे लेकिन अन्य बातों को नजरअंदाज न करें। कोई बड़ा अवसर खोने की संभावना बन रही है। काम से संबंधित हर एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जिन लोगों के द्वारा कटु बातें बोली जा रही हैं, उनकी बात में कुछ सच्चाई भी है, इस बात को समझने की कोशिश करें। बात करते हैं कर्क राशिफल यानी कैंसर की, तो अन्य लोगों की बातों से अधिक व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देने की कोशिश करें। निर्णय लेते समय परिवार को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। परिवार के लोगों की आपके लिए रखी हुई अपेक्षाओं का बोझ महसूस होगा लेकिन परिवार को अपना नजरिया समझाने की कोशिश करें। अगर बात करें सिंह राशि फल यानी लियो की, तो चिंता और वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। जब तक डर दूर नहीं होगा तब तक मर्जी के अनुसार निर्णय ले पाना संभव नहीं है। लोगों के विरोध पर आप इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कन्या राशि फल यानी वर्गों की, तो अपेक्षा के अनुसार बातों में धीरे धीरे बदलाव नजर आएगा। किसी भी बड़े बदलाव को अपनाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी होगा। मन में उत्पन्न हो रहे क्रोध का कारण जानने की कोशिश करें। हर बार क्रोध पर नियंत्रण रखना मुख्य समस्या को और भी कठिन बना सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि फल यानी लिब्रा की, तो किसी भी बात के बारे में संयम न रखने से आप खुद की तकलीफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त से पहले किसी भी काम को पूरा करने की कोशिश नुकसान का कारण बन सकती है। जितनी आपकी क्षमता है उसी प्रकार से रिस्क लेकर काम करते रहें। अगर बात करें वृश्चिक राशि फल यानी स्कॉर्पियो की, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कर्तव्य निभाने की कोशिश करें। परिस्थितियों के अनुसार भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से अन्य लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं उसी प्रकार से आपको भी खुद की जरूरतों को अन्य लोगों के सामने रखने की कोशिश करनी होगी। अब बात करते हैं धनु राशि फल यानी सजेटेरियस की, तो कठिन समय में परिवार और पार्टनर का साथ मिलने से अपनी समस्याओं को आसानी से दूर कर पाना आपके लिए संभव होगा। हर एक बात के लिए अन्य लोगों के विचार और व्यवहार पर नियंत्रण बनाने की जिद ना करें। अगर बात करें मकर राशि फल यानी कैप्रिकॉर्न की, तो परिस्थिति का पूरी तरह से अवलोकन करके अपने व्यवहार में बदलाव करने की कोशिश करनी होगी। जितना अधिक स्वभाव में लचीलापन बनाए रखेंगे उतनी आसानी से बातों को सुलझाना आसान होगा। बात करते हैं कुंभ राशि फल यानी एक्वेरियस की, तो प्राप्त हो रहे अवसरों के अलावा अन्य बातों पर विचार आपके द्वारा किया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति से आप नाराज महसूस करेंगे लेकिन इच्छा शक्ति के बलबूते पर बदलाव कर पाना संभव हो सकता है। इसलिए परिस्थिति से हार न मानते हुए अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न जारी रखें। अगर बात करें मीन राशिफल यानी पाइसेस की, तो काम से संबंधित बातें और अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश करनी होगी। अन्य लोगों के मन में जो छवि है वह नकारात्मक न हो, इस बात का ध्यान रखें। वक्त का ठीक से इस्तेमाल करें, पुरानी बातों की चर्चा ना करें। धन्यवाद।